मॉर्निंग मॉर्निंग हो गई, कितनी तेज़ धूप है। सुबह के बज रहे हैं 8:30। मुझे ना रात को सोते सोते हो गए थे, 2 बज गए थे। आज फिर से मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं अपने लिए बनाया, मैंने एप्पल साइडर विनेगर। अब मैं ना भागती हूँ कि बहुत सारे काम करने हैं। पीहू का भी मुझे मिल्क शेक वगैरह मैं सब कुछ तैयार करके जाती हूँ, क्योंकि जब आए तो उसको रेडी मिले। और टैंग वैंग सब प्रिपेयर करना है मेरे को, भी बहुत ज़्यादा रश में हूँ क्योंकि उसकी स्केटिंग क्लास का टाइम भी हो रहा है। मुझे भागना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाय। ये जो चावल बचा हुआ होता है ना घर पे, मैं बर्ड्स वगैरह को डाल देती हूँ यहाँ पर पार्क में आके। जैसे यहाँ पर ये पड़ा हुआ है ना, तो मैं चावल ऐसे थ्रो नहीं करूँगी डस्टबिन में, ये खा लेंगे ये बर्ड्स। चलो भागू मैं। ये दोनों ने आना सेम सेम कपड़े पहने हुए, शॉर्ट शॉर्ट और ऊपर से ब्लैक टी शर्ट। ये टी शर्ट भी मेरी पहनी हुई है इसने भी उन्हें। ब्लैक बाय ब्लैकीज बाय। मैंने इन लॉज को उतार दिया, इनको ना मैक्स हॉस्पिटल जाना था। इनका रेगुलर रूटीन चेकअप होते हैं ना मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। वापस जा रही हूँ पीयू के स्कूल में। अब ये आएंगे दोपहर तक, दोपहर तक तो मैं भी घर पे नहीं हूँ। इन लॉज को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पीयू के स्कूल में। यहाँ पर 15-20 मिनट बैठूंगी, फिर चल पड़ूंगी यहाँ से। 10:30 तक उसकी क्लास होती है ना, देखती हूँ। आज मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ वो कैसे करते हैं स्केटिंग। वो रही ब्लैक टी शर्ट में। हाय मेरी बच्ची, तो कितनी लंबी लग रही है यार। कर लिया सीख लिया सर्कल करना, बॉल्स उसके स्केट्स के। हाँ हाँ होते हैं वो उसमें। ग्रॉसरी शॉप से लेके आई ना ये मसाला कप, तो कह रही ब्रेकफास्ट में मैं आज यही खाऊंगी, तो इसको मैं ही प्रिपेयर कर देती हूँ। इसका ब्रेकफास्ट यही है, प्रॉन थे, मैंने नहीं बनाए, मेरे हस्बैंड ने बना के दिए। जो कल के पटाटो बचे हुए थे ना हमारे पास, उसी के प्रॉन थे बना दिए। साथ में ना उनको पता है कि पटाटो अलग से भी खाती जो बॉइल्ड होते हैं। बस मेरी चाय पक रही है ऊपर, वो मेरे को देंगे चाय पीऊँगी मैं। मेरी है क्लास क्लास के लिए। दिल्ली के ट्रैफिक में मैं भी भाग रही हूँ। सुबह मैंने रख ली अपनी क्लास 12 बजे की ना, बहुत दिनों बाद मैंने इतनी अर्ली मॉर्निंग की क्लास रखी है। पुराना सेटिंग वो बैठी थी वैसे कि सेकंड हाफ के लिए, बट एक्चुअली नई क्लास है तो मैं ना भी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में क्लास चाहिए। अभी तो मैं 11 वगैरह तक मैं पीयू को लेके आई थी, हस्बैंड ने जल्दी से बना दिया था खाना ब्रेकफास्ट करके। बस अब मैं तैयार होकर बाहर भी आ गई हूँ क्लासेस के लिए। इतना गर्मी हो रही है ना, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। आप लोगों के स्टेट में भी ऐसी इतनी गर्मी हो रही है, या दिल्ली में कुछ ज्यादा गर्मी का क्या कहते हैं भरमार चल रही है, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस बारिश हो तो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी तो खत्म हो। स्वेट स्वेट स्वेट। अरे मेरी ग्रीन लाइट हो गई, भाग रही हूँ यहाँ से। अब चलो मिलती थोड़ी देर में। क्लास व्लास कर ली है, अब एक क्लास खत्म हुई है, अब थोड़ी देर के लिए घर पे जाऊंगी, उसके बाद मेरी दूसरी क्लास है तो अपनी क्लास के लिए जाऊंगी। दिस वॉज द लाइक माई न्यू क्लास थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम पे जल्दी पहुंचना होता है। ऑल्दो मैं वैसे भी अपनी सारी क्लासेस है ना जल्दी टाइम पे ही पहुंचती हूँ, ताकि दूसरा बंदा भी मेरे लिए वेट ना करे और मैं भी किसी को मतलब वेट ना कराऊँ। मुझे इसलिए पसंद नहीं आता, जो मैं जो टाइम देती हूँ उसी टाइम पे पहुंच जाती हूँ। चलो मैं घर जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे कैसे लंच वंच का भी थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे। इतनी गर्मी हो रही है ना, डॉग्स के लिए भी पानी रखने के लिए हम लोग आ गए हैं। ये देखो पानी नहीं है इसके अंदर। ये ले भाई, लेडी, इसका नाम है लेडी, लेडी पानी पी। ये ले बेटा, आओ पानी पियो। झगड़ा नहीं करना यहाँ पर, कोई झगड़े की बात नहीं आनी चाहिए यहाँ से। झगड़े की बात नहीं आएगी, झगड़ा करने जाते हैं यहाँ के सबके सब। कॉफी आ गया होगा, नहीं कॉफी है। लवली तो, लवली तो उस साइड भागी थी, लवली जो पकड़ा था तब भी वहां से उठाया था उसको। मीना मैम भी आ गई।
क्लास से वापस आते हुए ना मैं ले आई थी ये छाछ के पैकेट, बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ कीप यू सिर्फ हाइड्रेटेड। बहुत ज़्यादा तो गर्मी होने को बस मैं छाछ पीऊँगी, मैं कुछ नहीं खाने का मन नहीं कर रहा, बस छाछ पी के मैं भी अपनी दूसरी क्लास में निकल जाऊँगी। अब लोगों को बता रही ना कि मेरा एक जो ट्राईपॉड मैंने वापस करवाया था, मतलब एक्सचेंज हुआ था मेरा बेसिकली, वो आ गया है। आई डोंट नो यार, वही सेम ब्रांड ही लग रहा देखने में, तो वही है यार, बहुत बेकार क्वालिटी आई है, इतनी हल्की क्वालिटी ना इसकी, सी लुक एट द क्वालिटी, बहुत हल्की है। और बल्कि मैंने अमेजोन से लिया, पूरा रिव्यूज़ पढ़ के लिए थे, स्टार रेटिंग वगैरह सब कुछ देख के लिया है यार, फिर वही पकड़ा दिया गया मुझे, क्या कहूँ क्या, कितनी मेल्स लिखूँगी इनको मैं, अब इसी से अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कबाड़ है जुगाड़ कर रही हूँ अपने लिए। ये देखो आती, ये निकलना शुरू हो जाता है, यही था उस टाइम पे भी यही मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे ही उसके डंडे अपने आप ही निकल। मेरी ना तबीयत खराब हो गई है, मैं अभी बस निकल ही रही थी, मेरे को ना बड़ा अचानक से स्टमक पेन हुआ, तो मैंने चेक किया यार मेरे को मंथली इश्यूज आ गए हैं, अब स्टमक पेन हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन रखूँगी क्लास अभी, तो मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, हिम्मत ही नहीं हो रही अब तो मेरे को। चलो गाइस थोड़ी देर में अब सोने दो, सारे कपड़े पड़े पैकिंग करने के लिए और मेरी तबीयत हो गई है खराब, मैं खाऊँगी चॉकलेट, यही मेरे को क्योर कर सकती है। ये मेरे पति ने बनाया मेरे लिए, आज मुझे ना हर चीज़ बेड पे मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा ना लेजी हो जाती हूँ उस टाइम पे, और इन्जॉय करूँगी अभी टीवी, अभी ना आ रही है मेरे लिए चाय भी, चाय पीऊँगी साथ में। डिनर में मैंने खाया था आज मटन, चिकन मुझे अच्छा लगता है, मुझे ना मटन इतना पसंद नहीं आता है, मैं चिकन खा लेती हूँ, और अभी ना ढूंढ रहे कि हम लोगों को टीवी पे देखना क्या है। बहुत ज़्यादा शोर वोर हो रहा था, तो मैंने सोचा तबीयत वैसे ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत वॉक भी बाहर कर लूँगी, बाहर आके थोड़ा बहुत वॉक करने लग गई थी, तो मैं क्या वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कीप शावरिंग योर लव टू मी, थैंक यू, बाय।